तो हेलो भाई लोग, स्वागत है आपका माई शो के इसकी फर्स्ट वीडियो में। तो ये जो पहला ऑब्जेक्टिव है, ये स्क्वायर 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 चार बार आपको स्क्वायर दबाना है और ये पहला ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो जाएगा। तो सारे ऑब्जेक्टिव आप कंप्लीट करेंगे आज। तो पहला ऑब्जेक्टिव जो है वो कंप्लीट हो गया। दूसरा ऑब्जेक्टिव के लिए आपको केवल ज़ीरो दबाना है। इसके अलावा सारे के सारे ऑब्जेक्टिव कैसे करने हैं कंप्लीट मैं आपको बताऊंगा। तो ये जो तीसरा ऑब्जेक्टिव है, ये जो आ रहा है, ये अभी बता देता हूँ भाई आपको कैसे कंप्लीट करना है भाई। तो जैसे जैसे मैं ऑब्जेक्टिव बता रहा हूँ भाई, वैसे ही कंप्लीट कर लेना। तो ये तीसरा ऑब्जेक्टिव कंप्लीट करने के लिए आपको L2 प्लस जीरो का सहारा लेना पड़ेगा भाई। एडी के सामने खड़े होकर L2 प्लस जीरो, उसके बाद ये फोर्थ जो है ऑब्जेक्टिव है, इसमें आपको एडी को डैमेज देना है। किसी भी तरह से दीजिए यार। तो आप स्क्वायर क्रॉस कुछ भी प्रेस करके आप एडी को डैमेज दीजिए। एडी को डैमेज देने के बाद ये ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट जो ऑब्जेक्टिव है उसको, उसमें एडी को कॉर्नर पे लेके जाना भाई। सबसे पहले ये ज़ीरो दबाना है, फिर एल वन दबा के एडी को पकड़ के और कॉर्नर पे जाके छोड़ देना भाई। जैसे ही एडी जीर कॉर्नर पे जाएगा तो ये ऑब्जेक्टिव जो है ये कंप्लीट नहीं होने देते भाई। ये प्लेयर आपको अपने आप से करना पड़ेगा। ये एडी को पकड़ेंगे, अरे एडी भाई करने नहीं दे रहा यार एडी। कोई बात नहीं, हमें मेहनत करनी है थोड़ी सी। और फिर ज़ीरो से पकड़ना है एडी को और एल वन दबाना है, तो एडी आपकी पकड़ में आ जाएगा भाई। ये क्या कर रहा है भाई, करने देना यार। ये लो पकड़ा गया भाई एडी। तो कॉर्नर में ले जाके इसको छोड़, फिर गलत जगह फेंक दिया भाई। चलो कोई बात नहीं, डैमेज भी साथ के साथ देते रहना यार इनको। तो कॉर्नर पे फिर सबसे पहले तो एडी को कॉर्नर पे गिराना है भाई। उसके बाद थोड़ा पीछे जाके एल टू प्लस ज़ीरो, और ये ऑब्जेक्टिव भी आपका कंप्लीट हो जाएगा भाई। अब ये जो फ्लिप डीडीटी है भाई, इसमें सबसे ज़्यादा टाइम लगा यार करने में। ये समझ ही नहीं आ रहा था, किसी ने भी नहीं बताया कि ये कैसे होगा भाई। तो सबसे पहले वैसे ही ज़ीरो से एल और एल वन प्रेस करके एडी को पकड़ना है भाई, और फिर इसको रोप के पास लेके जाना है। जो सामने रस्सी बंधी हुई है ना भाई, उसके पास लेके जाना है, तभी ये जो है वो ऑब्जेक्टिव कंप्लीट होगा भाई। सबसे पहले ज़ीरो, फिर एल वन। ये देखो अभी करके दिखाता हूँ भाई आपको। ये ज़ीरो से पकड़ा भाई, फिर एल वन प्रेस किया और ये एडी आपके हाथ में, और इसको रोप के पास लेके जाना है। उसके बाद लेफ्ट वाली जॉयस्टिक को नीचे करके और ज़ीरो और क्रॉस दबाना है अपने भाई। तो ये ऑब्जेक्टिव आपका कंप्लीट हो जाएगा भाई। ये देखो भाई, ये ऑब्जेक्टिव भी आपका कंप्लीट हो गया भाई। उसके बाद वाला जो ऑब्जेक्टिव है, सिर्फ ज़ीरो दबाना है आपने, और आगे जो है वो आपका ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो जाएगा भाई ये वाला भी। तो जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ भाई, वैसे वैसे आप ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट कर सकते हैं। ये थोड़ी वीडियो चलेगी, उसके बाद फिर ये आपके सामने दोबारा गेम शुरू हो जाती है भाई। तो अब अगला ऑब्जेक्टिव हमें पूरा करना है भाई। इसमें हमें एडी को डैमेज देना है जैसे भी। ज़ीरो क्रॉस ज़ीरो स्क्वायर दबा के आप एडी को डैमेज दे सकते हो भाई। और अगर आपको वीडियो से कुछ मदद मिले या आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें शेयर करें भाई। तो अभी रिंग के ऊपर जाना है भाई। तो अभी हमें जब रिंग के ऊपर जाकर जो डैमेज देना है ना मेरे भाई, तो उसके लिए हमें वेट करना है कि एडी जब खड़े होंगे तभी क्रॉस या स्क्वायर दबाना है। उससे पहले काम नहीं करेगा ये। ये देखो भाई, जब एडी खड़े हुए तो हमने क्रॉस दबा दिया और ये मूव कम्प्लीट हो गया, यानी कि ये ऑब्जेक्टिव कम्प्लीट हो गया भाई। अब एडी को जो है स्क्वायर ज़ीरो और क्रॉस ये दबा के ये ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट करना है भाई। ये लो मेरे भाई, स्क्वायर ज़ीरो और क्रॉस। अब अगला जो ऑब्जेक्टिव है भाई वही है, पहले एडी को कॉर्नर पे लेके जाना है भाई, उसके बाद ये ऑब्जेक्टिव पूरा होगा भाई। तो इन सारे ऑब्जेक्टिव को पूरा करके आपके प्लेयर्स भी ओपन हो जाएंगे भाई। ये लो जी, कॉर्नर में हम ले गए इसको और हमने सिर्फ स्क्वायर दबाया, और उसके बाद नेक्स्ट वीडियो शुरू हो जाता है और अब अगला ऑब्जेक्टिव हमारे सामने आ गया भाई। अब अगला ऑब्जेक्टिव कैसे पूरा करना है वो भी मैं बता देता हूँ भाई आपको।
बचना भी है भाई, हारना भी नहीं है इनसे, बिना हारे ऑब्जेक्टिव पूरे करने हैं सारे के सारे। ये पूरे करने नहीं देते भाई प्लेयर्स जो हैं, तो आपको इनसे बचना भी है और फिर अपने ऑब्जेक्टिव भी पूरे करने हैं भाई। ये लो भाई, सबसे पहले 0+0 से इसको बाहर फेंक देना भाई, जैसे ही ये बाहर जाएगा आपका एक ऑब्जेक्टिव पूरा। अभी जैसे ही ये खड़ा होगा भाई, उसके बाद L2+2 से आपको अपना ऑब्जेक्टिव पूरा करना है यार। ये लो जी, अगला ऑब्जेक्टिव भी पूरा भाई। और वीडियो को भाई लाइक करना है, शेयर करना है, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए भाई, ताकि ऐसे ही वीडियो आपको और मिलते रहे। तो एडी को दोबारा अंदर लेके आए भाई रे मिस्टीरियो, अभी वेट कर रहे हैं उसके खड़े होने की भाई। तो जैसे ही खड़े हुए, अरे करने दे यार एडी, देख के करना पड़ेगा भाई, नहीं हो रहा है। चलो अभी समझ आ गया भाई, एडी नीचे गिरे हुए भाई, तो यहाँ पे एडी का वेट करना है भाई थोड़ा सा। जैसे ही एडी खड़े हो, दोबारा से क्रॉस या स्क्वायर दबा के एडी पे कूद लगा देनी है भाई। ये वाला ऑब्जेक्टिव भी आपका कंप्लीट हो गया भाई, और लगभग सारे ही ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो गए भाई। एक लास्ट ऑब्जेक्टिव है भाई आपका, और ये 0 दबाना है, और आपका ये ऑब्जेक्टिव भी कम्प्लीट भाई। तो सारे ऑब्जेक्टिव कम्प्लीट करने के बाद 15 के 15 ये वीडियो ख़त्म। थैंक यू, धन्यवाद।